मौजूद हैं सहारनपुर के थाना ननोता ब्लॉक के फतेहपुर गांव में, जहां पर बताया जा रहा है कि 56 साल बाद एयरफोर्स के जवान का एक शव जो है बर्फीली पहाड़ियों में दफन था जो मिला है। उनके गांव हम पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहां पर जो है झंडे हाथ में लेकर सैनिक जो शव मिला है पार्थिव शव, उसके लिए जो है यहां पर पूरे गांव को झंडों से सजाया जा रहा है। ये उनका घर है, उन्हीं के लोगों से घर में बात करेंगे कि इतने समय बाद जो पार्थिव शव मिला है किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ उनका इतिहास रहा है, क्योंकि काफ़ी पुराना समय हो गया है। 56 साल अपना में एक बहुत बड़ी बात लगती है। यहाँ पर जो है गांव में उनके पहुँचे हैं, उनके पोते हैं, उनकी पोती हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके का क्या कुछ रहा है। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। गौतम जी, 56 साल बाद जो है शव मिला है आपके दादाजी का, तो किस तरह से आपको सूचना दी गई है, क्या कुछ रहा है? हमें पहले तो सुबह के कल सुबह ही मेरे पे हमारे गांव से पता लगा, उसके बाद हेडक्वार्टर से फ़ोन आया मेरे पास कि आपके दादाजी मलकान सिंह की बॉडी मिल चुकी है और ऐसे ऐसे बात है। जी, किस तरह से पहचान हुई है मलखान सिंह जी? जो उनके नाम होता है या बेल्ट वगैरह पे नाम होते हैं उनके, तो उनसे पहचान हुई जी। जी अच्छा, अगर बताया जाए तो आपके जो पिता थे क्या कुछ बताते थे उनके बारे में, किस तरह से उनका इतिहास रहा है, क्योंकि 56 साल अपने आप में एक बड़ी बात है। जी, पिताजी तो उस टाइम पर छोटे थे जी, बस मम्मी यार बताती थी, मेरी मम्मी जो है वो बताती है कि तुम्हारे दादाजी एयरफोर्स में थे और जी वे किसी मिशन के लिए बाहर निकले थे तो किसी बर्फ़ में या रेत में पूरा जहाज ही उतर गया, जिससे कि मतलब पता ही नहीं लगा कि जहाज कहाँ गया, बस यही पता उसके लिए। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। आप क्या लगते हैं? मैं इनका साला लगता हूँ। तो आपको भी कुछ अगर जानकारी हो किस तरह से क्या कुछ हुआ था, जानते हो थोड़ा? सर, मैं तो फोन पे यूट्यूब पर देख कर आया हूँ और हमारे जीजा जी ने हमें फोन किया है। यहाँ पर बात करते हैं, कुछ और महिलाएं भी हैं। आपका क्या नाम है? आपके क्या लगते थे? सर, ससुर लगते थे आपके? तो आपके पति और आपकी सास के साथ आपका काफी समय रहा होगा, तो वो कुछ बताते होंगे कि किस तरह से जो है आपके ससुर गए थे एयरफोर्स में कार्य करते थे, क्या दुर्घटना, एयरपोर्ट चलाते थे जी, बस वो हो गई थी उनकी दुर्घटना, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कितना समय बीत गया उस समय तो पता नहीं जी हमें, कुछ इतना कितना समय होया कितना नहीं जी। हाँ जी, बताया जा रहा है कि लगभग 56 साल हो गए। हाँ जी, 56 हो गया, 56 साल के बाद बॉडी मिल रही है उसकी। हाँ जी, 56 साल के बाद ही बॉडी आओगी उसकी, अरे जब होगा जी। 56 साल बीत गए, क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर, किसी तरीके का फोटो जिसमें आपने उनको देखा हो, कुछ निशानियां उनके इस तरह की? देखो, पहले कच्चे घर होते थे, सामान सारा था, मगर उनके नीचे दब गए तो फिर देखो जी निकालना भारी हो गया, तो इसलिए वो नीचे ही दब गए। तो फोटो वगैरह तो पहले होती नहीं थी, इसलिए हमारे पास कोई कागज नहीं है। आपके पिता कुछ बताते हो उनके बारे में, किसी तरीके का इतिहास? हाँ जी, हमारे पिताजी भी बताते थे, हमारे चाचा जी हैं वो भी बोलते थे, और जो दादाजी हैं दूसरे वो भी बताते थे। क्या कुछ बताते हैं? बोलते थे तुम्हारे बाबा जी फोर्स में थे भाई, अच्छी पोजीशन पे थे, जहाज क्रैक्स हुआ या कुछ भी हुआ भाई, फिर वो मिले नहीं। अच्छा, इतना लंबे समय बीत गया है, करीब 56 साल हो गए हैं, तो क्या किसी तरह की आप लोगों को मदद मिली है, एयरफोर्स के लोग या पुलिस प्रशासनिक या सरकार की तरफ से कोई लोग आपसे मिले हों, संपर्क किया हो? कभी नहीं मिला, और कभी नहीं भी आए भी नहीं यहाँ पे कोई भी, कभी पूछा भी नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है जो भाई हमें महसूस हुआ या भाई बॉडी मिली, तो इसलिए आप भी आ रहे हो और बाहर से भी आ रहे हैं, तो इसलिए देखो गांव के भी बहुत ही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दर्शन देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे। आपका क्या नाम है? पड़ोसी होंगे आप भी? हाँ जी, पड़ोसी है जी हम तो, मेरा नाम रूमा है जी। तो क्या आपको कुछ पता है इतिहास का, जो मलखान सिंह थे एयरफोर्स में थे, प्लेन क्रैश हुआ था, तो किस तरह से क्या कुछ सामने रही? देखो जी, हम तो जी उनसे बाद में आए जी, हम तो अभी के तान दिया है जी, कहना जी अभी फोन में ही देखा जी, हमें भी यूट्यूब पे जी। मलखान सिंह जो थे एयरफोर्स में कार्यरत थे, तो क्या कुछ दुर्घटना हुई थी उस समय, आपको तो पता होगा, जानकारी हो? हाँ, कमी जानकारी है थी जी हमको, वैसे नहीं पता लगा थे, उनका जो विमान था वो
बर्फ से है क्या ना, समुद्र में गिर गया था, बस इतना तो मालूम है जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे ये दुर्घटना हुई थी, क्या उसके बाद फिर कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के बीच आए हों, किसी तरह की कोई वार्ता हुई हो आपसे? हाँ हुई तो थी, कम मतलब हमारी तरह ज्ञान तो नहीं है था कि ये अधिकारी है क्या है, हम तो हल्के ही थे, लेकिन उनको बड़ों को मालूम है था इस बात का, उनसे कहते थे दिलवावे कुछ, लेकिन कुछ नहीं दिलवाया। अच्छा, अगर आपके पिता थे वो बताते होंगे कि किस तरह से वो जा रहे थे एयरफोर्स में, जो थे प्लेन लेकर जा रहे थे, क्या कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, किस तरीके का उस टाइम मामला? बस ये तो हमको इतना वो नहीं पता है, इतना नहीं पता, मालूम नहीं इतना, हमें तो बस नहीं पता जहाज गुम हो गया। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।